एक तरफ जहां प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक लगातार अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, वहीं स्वास्थ्य महकमा कहीं ना कहीं फेल नजर आ रहा है। वहीं आज जिम्मेदारों की लापरवाही से प्रसव के समय जच्चा बच्चा की मौत हो गई। हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थनगर में चल रहे सेवा हॉस्पिटल की। आपको बताते चलें कि जिले बांसी कोतवाली के सोनखर चौराहे पर करीब 2 वर्षों से NH-28 पर अवैध तरीके से चल रहा, जहां जिम्मेदार की अभी तक नज़र नहीं पड़ी। वहीं आज सुबह प्रसव के लिए महिला का प्रसव के समय जच्चा बच्चा की मौत हो गई, तो वहीं परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। मृतिका गौलहोरो थाना क्षेत्र के पचहर की निवासी थी। वहीं शांति व्यवस्था के लिए आधा दर्जन थाने की पुलिस बल लगाई गई। घटना के बाद SDM बांसी प्रमोद कुमार और अधीक्षक बसंतपुर डॉक्टर राजीव रंजन ने पहुंचकर देखा तो अवैध तरीके से अल्ट्रासाउंड मशीन को सील किया। वहीं महोबा में चल रहे मार्कंडेय हॉस्पिटल का भी नाम आ रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिना किसी महिला डॉक्टर या नर्स के प्रसव कैसे होता है। वहीं मृतक के परिजनों से एडमिट करने से पहले 30,000 रुपये भी ले चुके थे। वहीं मीडिया से बात करते हुए परिजन ने बताया कि आज सुबह मरीज को भर्ती किए और तुरंत मोटी रकम जमा करवा ली। अधीक्षक ने बताया कि सूचना मिलते ही हम लोग आए और देखा गया, अस्पताल को सील कर दिया गया है और जेल भी जाएंगे। प्रसूता यहाँ आए थे डिलीवरी के लिए, उनका केस गड़बड़ हो गया था तो उसी में यहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, जिसमें कुछ लोग यहाँ आ गए थे, इकट्ठा हो गए थे, जिसमें हमारे पूरे थाने की फोर्स आ गई है। तो इसको देखते हुए हॉस्पिटल का जांच किया गया तो जिसमें अल्ट्रासाउंड पाया गया जो अवैध रूप से है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है उसको छेड़छाड़ किया गया है। और साथ ही इसका तब से मांगा जा रहा है हॉस्पिटल से कि रजिस्ट्रेशन नंबर जो हॉस्पिटल का है लीगल है या इलीगल है, लेकिन अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। तो इसको देखते हुए हॉस्पिटल को सील किया जा रहा है और साथ ही जो अल्ट्रासाउंड मशीन की मिली है उसको भी सील करके और आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्या अभी सूचना मिली है कि अस्पताल में एक प्रसूता की मौत हो गई है, और सूचना मिलते ही हम लोग आए यहाँ पे और अस्पताल में छानबीन किया गया। छानबीन के दौरान अल्ट्रासाउंड मशीन, अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर भी संचालित पाया गया था, और हमने अपने उच्च अधिकारियों को सूचना भी दिया है। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर अस्पताल सील किया जा रहा है। सील करने के बाद जो भी यहाँ पर है सबको प्रकार की किया जाए। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।